नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक की मंदिर में बने तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि जसपुर जोशियान मोहल्ला निवासी दुष्यंत जोशी अपने कुछ दोस्तों के साथ तीर्थ नगर में स्थित मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले में गया था, जहां मंदिर में बने तालाब में युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए चला गया। नहाने के दौरान दुष्यंत की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को तालाब से बाहर निकाला और कांस्टेबल सचिन चौधरी की बाइक से ही युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक दुष्यंत जोशी के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरा, इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर देर शाम परिजनों को सौंप दिया। दुष्यंत के पानी में डूबने से मौत की खबर मिलते ही दुष्यंत के परिवार में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि जसपुर जोशियान मोहल्ला निवासी दुष्यंत जोशी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी जगह जाने से बचें जहां नहाने का स्थान नहीं है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। जसपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, भोगपुर डैम जसपुर में है, उसके बगल में एक तीर्थ नगर है, वहीं पे एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है। इसमें वर्ष में वहाँ पे मेले का आयोजन होता है। कल आसपास के लोग वहाँ पे मेला देखने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करी थी। वहीं पे भोगपुर डैम है और लगातार हमारे द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा था कि इसमें जाने से बचे, क्योंकि वहाँ पे आर्ड इवेंट टाइप के वहाँ पे गहराई भी है। इसी में जोशियान मोहल्ले का एक दुष्यंत जोशी नाम का लड़का, जो कि 35 साल का था, वो वहाँ पे फंस गया और फंसने के बाद उसकी डूबने से मृत्यु हुई, जिसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की गई। और हम लगातार उसको अवेयर भी कर रहे हैं कि इस तरीके के जहाँ भी है, जो चिन्हित स्थल नहीं है स्नान के या उसमें, तो उसमें जाने से बचे। काफ़ी गर्मी पड़ रही है और ऐसी जगहों पर जा करके कभी भी कोई जोखिम या दुर्घटना हो सकती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।